नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। इसी के साथ अब खबरें विस्तार से। एसडीएम के निर्देशन पर तहसील वाले दुकानदारों को दुकानें हटाने की चेतावनी दी और कई दुकानदारों की दुकानें हटवाई। स्थानीय लोगों ने बस स्टैंड ठेकेदार शिवम गुप्ता के पिता संत कुमार गुप्ता के ऊपर आरोप लगाया कि अवैध तरीके से टपरे डब्बे रखवा कर अधिक सिक्योरिटी राशि के साथ किराया भी लिया जाता है, जिस पर तहसीलदार पांडे ने बस स्टैंड ठेकेदार के पिता से चर्चा कर किराया वसूलने के दस्तावेज पेश करने की बात कही। पेश न करने पर ठेकेदार के पिता को कार्यवाही करने की चेतावनी दी। उसके बाद आरटीआई रोड से लेकर स्लीमनाबाद तिराहे तक पदयात्रा कर निरीक्षण किया और यातायात को अवरुद्ध करने वाले दुकानदारों को हटवाया और कई दुकानदारों को हटने की समझाइश दी। न हटने पर कार्यवाही की चेतावनी दी है। इस मौके पर बहोरीबंद थाना पुलिस बल व स्थानीय लोग एवं राजस्व विभाग के आरआई, पटवारी और कोटवार संघ उपस्थित रहा। संवाददाता पप्पू उपाध्याय। अब नहीं करना, अभी करना, अंदर जो अंदर करोगे बस इससे आगे नहीं बढ़ना। अभी हमारा काम हो रहा है, अंदर गोली लगाए रहते हैं यहाँ पूरी रोड पे खड़े हम इतने नहीं बोले पूरा बजा ठेकेदार।